इंडिया यूथ कांग्रेस 10 से 12 जुलाई को कर्नाटक के बेंगलुरु में बेहतर भारत की बुनियाद युवा सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसकी जानकारी आज इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय युवा सम्मेलन में देश भर से 3000 से अधिक पदाधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बेहतर भारत की बुनियाद युवा सम्मेलन में देश भर से आए हुए युवाओं को कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए क्या किया है और सरकार में रहते हुए उन सभी बातों के विषयों के अनुसार विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जो 9 सालों में युवाओं को छलने का प्रयास किया है उस पर भी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को बताया जाएगा। तब वहाँ बोला गया था, हर मंच पर मोदी जी द्वारा बड़े छाती चौड़ी कर करके बोला गया था कि हम जब सत्ता में आए तो हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15-15 लाख लोगों के अकाउंट में डालेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे इन्होंने ऐसे स्लोगन दिए थे, लेकिन आपने क्या देखा है, लगभग पिछले 9 साल से इस देश में ये मोदी की सरकार सत्ता में है, आप देखो कितने लोगों को वहाँ रोजगार मिला, कितने नौजवानों को रोजगार प्राप्त हुआ। आप बताओ ऐसे कानून लाए गए यहाँ पर जिससे हमारे देश की आवाम का बहुत नुकसान हुआ। आने वाले टाइम में हम जो बेहतर भारत की बुनियाद एक प्रोग्राम जिसमें देश के हर कोने से लगभग 3000 लोग अपने युवा साथी वहाँ भाग ले रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं कि उन वॉलंटियर को बुला रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में इस मोदी की सरकार के हर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है लोगों के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हमने उन सभी के लिए आज उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आओ आप इस मुहिम का हिस्सा बनो, इस अधिवेशन में आओ और अपनी आवाज़ उठाओ।